बाकोंडा एक बहुत बड़ा विलेज है, तो हम लोग बीच के लिए जा रहे हैं। विलेज के रास्ते से ही हम बीच के तरफ जा रहे हैं। ये जो देख रहे हो आप लोग, ये पूरा विलेज का रास्ता है। नैरो लेन है, इसी रास्ते से ही हम लोग बीच के तरफ जा रहे हैं। ये आगोंडा बीच में हम लोग आ गए हैं, लेकिन कितना नैरो लेन है। जैसे कि मैंने बताया कि ये एक विलेज है, गांव है, इसी के अंदर से ही जाना पड़ेगा। तो ये बीच जाने का रास्ता है, देखिए कहीं से भी नहीं लग रहा है कि ये बीच जाने का रास्ता है, लेकिन यही बीच जाने का रास्ता है। वाओ, बाप रे बाप। बस अब दिख रहा है समुंदर। आ गए आगोंडा बीच। हम लोग अभी आ गए हैं आगोंडा बीच। ये आगोंडा बीच में देखिए टर्टल नेस्टिंग पॉइंट यहाँ पे है। एक्चुअली यहाँ पे क्या होता है, मैं यहाँ पे ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का बना हुआ है, टेंट बना हुआ है। इसमें हम लोग गए हैं दिसंबर में, तो जनवरी फरवरी महीने में यहाँ पे टर्टल मतलब कछुआ उठ के आता है पानी के बाहर में, करीब 30-40 नंबर्स ऑफ टर्टल। और वो आके यहाँ पे एक लेज करता है बीच के अंदर में, बीच के बालू के अंदर में लेज करता है। एक बार में करीब 100 से 150-200 भी एक ले करता है। ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाला, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का स्टाफ है, ये लोग क्या करता है, इस बीच पे ये अंडा को कलेक्शन करता है, करके एक जगह पे उसको हैचिंग कराता है। कराने के बाद 5-7 दिन उसको ऑब्जर्वेशन में रखता है, उसके बाद फिर उसको पानी में छोड़ देता है। इसीलिए यहाँ पे नॉर्मल कॉमन पीपल, यू कैन से इंडियंस और हम लोग जैसे लोकल जो है, इन लोगों के यहाँ पे एंट्री बहुत रेस्ट्रिक्टेड है, क्योंकि यहाँ पे पूरा गार्ड लगा हुआ है, पूरा गार्ड्स घूमता रहता है हर वक्त, ताकि कोई अंडा लेके ना चल जाए या कोई कछुआ को पकड़ ना ले। अच्छा लगा, बीच इज़ वेरी गुड, बहुत शांत जगह है साउथ में, अच्छा बहुत अच्छा बीच है। लेकिन यहाँ पे कॉमन या नॉर्मल पीपल का मूवमेंट बहुत कम है। एक्चुअली साउथ में ऐसे ही कम है, साउथ गोवा में ऐसे ही मूवमेंट कम है, वहाँ पे रश कम होता है, इसमें और भी कम है। तो आप आगे देखिए, आप लोग अच्छा ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देना था। अभी हम कोलवा बीच में आ गए हैं। हम लोग अभी कोलवा बीच में है, और ये देखिए ये कार पार्किंग है यहाँ का, 4-wheeler 2-wheeler सब है। बीच में एंट्री करने के लिए एक छोटा सा ब्रिज है। गाइज, अभी हम लोग आ गए हैं कोलवा बीच पे। ये गोवा का, साउथ गोवा का एक पॉपुलर बीच है। यहाँ पे फैमिली और बच्चों के लिए बहुत बढ़िया, यहाँ पे सब होटल्स, बार, रेस्टोरेंट सब यहीं पे है। और इसमें बच्चों का देखिए एम्यूजमेंट पार्क भी है, इसमें आपको दिखाते हैं हम। देखिए पीछे देखिए एम्यूजमेंट पार्क भी है, बच्चों लोग एम्यूजमेंट पार्क नहीं बोलेंगे, लेकिन खेलने का बहुत बढ़िया जगह है। ये पीछे देख पा रहे हैं आप, ये टोटल बीच आप लोगों को दिखाते हैं। तो देखिए ये देखिए भीड़ भी बहुत लगा हुआ है, ये बहुत पॉपुलर बीच है। यहाँ पे जो क्राउड देख रहे हैं, हर कोई बिजी है। इधर आपको बनाना राइड है, बोट राइड, रिंगो, पैरासेलिंग और जेट स्की। पैरासेलिंग है यहाँ पे, बोट राइड, ये बनाना राइड, रिंगो, रिंगो, पैरासेलिंग। क्या करेंगे आप पूछ लिए। ये देखिए वाटर, ये जो गार्ड, जो बीच गार्ड है, जो ये लाइफ गार्ड जो है, ये देखिए यहाँ पे आगे देखिए बैठा हुआ है वो टीला पे, सामने आपको दिखा पा रहे हैं शायद। तो ये है टोटल जगह का व्यू, और ये भी बीच बहुत लंबा है, यू कैन सी बहुत लंबा है बीच, बहुत
देखो दूर में पैरासीलिंग हो रहा है। देखो दूर में देखो, अब देखो पीछे वहाँ पे पैरासीलिंग भी हो रहा है वहाँ पीछे। ये बनाना राइड भी हो रहा है यहाँ पे। तो ये देखो पूरा मूवमेंट है, सब कोई एंजॉय कर रहा है यहाँ पे और हम लोग वीडियो बना रहे हैं। ओके नो इशू, चलिए हम लोग जो देखे अगर आप लोगों को दिखा सकते हैं तो उसी में एंजॉयमेंट हम लोगों का है। चलिए ठीक है, यहाँ से फिर हम लोग निकलेंगे दूसरे जगह पे, डेस्टिनेशन पे। एक्चुअली साउथ गोवा, हम लोग नॉर्थ गोवा में ठहरे हुए हैं तो साउथ गोवा बहुत डिस्टेंस बहुत दूर पड़ता है, 80-90 किलोमीटर दूर पड़ता है। तो वहाँ से होते होते फिर हम लोग देर शाम हो जाएगा, फिर रात हो जाएगा। इसीलिए अभी जस्ट हम लोग वापसी 40 किलोमीटर आए हैं, अभी भी 40-50 किलोमीटर अभी भी बाकी है। टू हैव टू गो देयर ऑल्सो, बीच में 2-3 जगह आप लोग और दिखाना है, वी हैव टू कवर ऑल दैट। तो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड, साथ में बने रहिए। गाइस अभी हम लोग हैं थ्री किंग्स चैपल पे। यहाँ पे बहुत सारा सीढ़ी के ऊपर से चढ़ के हम लोग को जाना होगा। सो हम लोग जा रहे हैं, सारा दिन बाइक चला के ऐसे ही जो है अवस्था ढीला है, फिर भी जाना पड़ रहा ऊपर। तो यहाँ पे बहुत सारा मीथ है, मतलब बहुत सारा कहानी इसके ऊपर लगा हुआ है। बोला जाता है कि यहाँ पे भूत है, कुछ मिस्ट्री है, कुछ अनहोनी होता है, बहुत कुछ बोला गया है। लेकिन हम लोगों को वो सब कहानी जान के कोई फायदा नहीं है। बस हम लोग बस यहाँ से अच्छा व्यू पॉइंट है, सो हम लोग उसी व्यू पॉइंट के ऊपर बेस करके आगे जा रहे हैं। अगर बीच में कोई भूत दिखाई पड़ा तो वो भी हम लोग हाई हेलो कर लेंगे, आप लोग हाई हेलो करा देंगे। चलिए नो इशू, वी आर जस्ट मूविंग ऑन, देखते हैं। और सीढ़ी कितना हमको ऊपर आना पड़ा वो गिन के बाद में बताएंगे। यहाँ से वास्को डा गामा 12 किलोमीटर है, तो जस्ट वी विल गो देयर एंड सीढ़ी की व्यू दिखाएंगे। शायद हम लोग नजदीक पहुंच गए हैं। बहुत लोनली प्लेस है एक्चुअली। सो किले के ऊपर में है, मैक्सिमम कितना होगा, 1000 फुट ऊपर होगा, उतना भी नहीं होगा, 500-700 फुट होगा उसके ऊपर में है। कल क्रिसमस जो है फॉर दैट पूरा जो है चर्च को सजाया गया है, हर जगह पे देख रहे हैं गोवा में कि हर जगह पे चर्च सजाया गया है। वी आर मूविंग अराउंड, इसका नज़दीक में एयरपोर्ट है, एयरफोर्स का बेस है यहाँ पे। परसों से ही देख रहे हैं कि लड़ाकू विमान का आवाजाही है। तो देखिए सीनिक व्यू, जैसे आप लोगों को बोला गया था थोड़ा सा ऊपर में हम लोग है, सो सीनिक व्यू इज़ गुड। यहाँ से अगर ड्रोन शॉट होता तो और अच्छा लगता। समुंदर देखिए, सामने समुंदर है, देख पा रहे हैं शायद सनसेट का लाइट जो है रिफ्लेक्शन हो रहा है, सनसेट वाला, सॉरी सनसेट का जो ये लाइट है वो रिफ्लेक्शन हो रहा है, वो समुंदर है। तो थोड़ा सा फॉगी भी हो गया है अभी,
शाम हो गया इसलिए फॉगी भी हो गया है। यहाँ पे रात को थोड़ा सा ठंडा होता है, हल्का सा ठंडा होता है। वो दैट चर्च को भी दिखा के आएंगे। ये ऑडिटोरियम है, यहाँ स्टेज है, स्टेज के ऊपर से ही जो प्रोग्राम होता है वहाँ से कॉन्डक्ट किया जाता है। ये एवरीथिंग इज गोइंग टू बी इन अ गुड सेंस बनाया जा रहा है। तो उसको अब देखिए, इसमें ये स्टेज है, ये स्टेज को ऑडिटोरियम को सजाया गया है। इसके ऊपर पूरा स्टेज बनेगा, ऊपर देखिए पूरा बना हुआ है। गिव दैट डिंप ऑन नोट आई डोंट नो, और देखिए ऊपर से सुंदर सजाया गया ऊपर से। They are working hard. They are very much working hard. Time हाथ में नहीं है, शायद कल तक खत्म करना होगा तो ये भी काम है। You see the person who is also tying the belts and all that. हम लोग साइड से भी हम दिखा रहे हैं चर्च कैसा है। लेकिन जो भी है अभी तक भूत नहीं देख पाए, वही एक दुख रह गया, बाकी सब ठीक है। जैसे आप लोगों को बताया 70 को सीढ़ी है, मतलब अप डाउन में 140 सीढ़ी आपको चढ़ के या उतर के आना होगा, ये टोटल है। फिर खाल अभी यहाँ के प्रोग्राम ख़त्म करते हैं, करके हम लोग होटल की तरफ वापसी जा रहे हैं। गाइस ऐसे ही जैसे होता है, आदमी चूप करते करते खाना नहीं होता है, बहुत भूख लग गया। सो अभी आए हैं एक रेस्टोरेंट रेंज के पास, एक नेशनल हाईवे के पास एक अच्छा ढाबा मिला, तो वहाँ पे आए हैं खाना खाने। तो वहाँ पे कुछ अभी टाइम नहीं है, बोलता है कि अभी लंच डिनर कुछ नहीं मिलेगा, अभी बस डोसा मिल सकता है, ऐसे ही साउथ इंडियन मिल सकता है। सो हम लोग डोसा का ऑर्डर दिया है, एक मसाला डोसा और एक प्लेन डोसा, दोनों का ऑर्डर दिया गया है। तो अभी डोसा का साइज इतना बड़ा है कि प्लेट से बाहर हो गया है। तो अभी हम लोग जो है खाना खाते हैं, हल्का सा कर लेते हैं, इसको नाश्ता बोलिए, लंच बोलिए, डिनर बोलिए, जैसे बोलिए बोलिए, बहुत भूख लग गया है। खाना खत्म कर लेते हैं, फिर आप लोगों से बात करते हैं। खाना खाते खाते बात नहीं कर जाता है, आज का दिन यहीं पे ख़त्म करते हैं। टेस्टी हुंड वीडियो देखते रहिए, और भी हम लोग का दिखाना अभी बाकी है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, बाय।